अगली खबर है कटघोरा अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग की। दरअसल इस राजमार्ग को पार करते वक्त 21 हाथियों के दल में शामिल एक हाथी का बच्चा नाले में जा गिरा। इसके साथ हाथियों का दल वहीं ठहर गया और बच्चे को उसकी मां निकालने की कोशिश करती रही। करीब 1.5 से 2 घंटे तक वह मशक्कत करती रही, पर कंक्रीट की नाले में फंस गया बच्चा बाहर निकल नहीं पा रहा था। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर JCB के माध्यम से बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया है और हाथी के दल से उन्हें फिर मिला दिया। कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत इन दिनों 21 हाथी का एक दल विचरण कर रहा है। गुरुवार को शाम 5 बजे यह दल कटघोरा से करीब 35 किलोमीटर दूर ग्राम मड़ई के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 130 को पार कर रहा था। बताया जा रहा है कि दल में शामिल करीब 1 साल का हाथी का बच्चा सड़क के किनारे एक नाले में जा गिरा। इस घटना के बाद हाथियों का दल सड़क पार करने की जगह वहीं रुक गया। इसके साथ ही सड़क में चलने वाले वाहनों के पहिए भी थम गए। इसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग के अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। इस बीच एक हाथीनी बच्चे को सूर के माध्यम से बाहर निकालने का प्रयास करती नजर आई। हाथी के बच्चे को बाहर निकालने JCB मंगाई गई। किसी तरह वन कर्मी नाले के नीचे उतरे और फिर उसे रस्सी से बांधा गया। उसके बाद JCB से खींचकर ऊपर सड़क पर लाया गया। ऊपर आते ही हाथी का बच्चा दौड़कर हाथीनी के पास चला गया। केंदई वन परिक्षेत्र अधिकारी अभिषेक दुबे ने बताया कि हाथी के बच्चे को निकालने पर JCB मौके पर बुलाई गई उसको निकालने के लिए, तो हाथीनी JCB के सामने आ जाती थी। इसकी वजह से बच्चे को निकालने में काफी देरी हो गई। कुछ देर के लिए वह घटनास्थल से थोड़ी दूर गई तो मौका मिलते ही टीम ने रेस्क्यू कर लिया बच्चे को। बच्चे के बाहर निकलने के बाद ही हाथियों का दल वापस जंगल की ओर रवाना हो गया। शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक मार्ग बाधित रहा। हाथी के बच्चे को रेस्क्यू करने में 50 वन कर्मियों की टीम लगी रही। इस बात का खास ध्यान रखा जा रहा था कि बच्चे को चोट ना लगे और वो सुरक्षित ढंग से बाहर निकाला जाए। रस्सी से बांध सीधे उठाने की जगह एक कर्मी बच्चे को पीछे से सपोर्ट देकर उसने ऊपर चढ़ाया। हाथियों के दल के हमला करने के खतरे बना हुआ था। हाथियों के दल का हमला करने का खतरा बना हुआ था, बावजूद इसके वन कर्मियों ने साहस का परिचय देते हुए रेस्क्यू किया। इस बीच सड़क पर लगी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी उन्हें खासी मशक्कत करनी पड़ी। निकल जाओ, हाँ।